नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 अगस्त 2023, और यहां 2 अगस्त 2023 के लिए यानी बुधवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से 3 स्टॉक हैं, सिलेक्शन रीजन समझाऊंगा क्यों सेलेक्ट किया गया। तो सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़े जिसका नाम है वोल्टास। देखिए जबरदस्त स्टॉक वोल्टास, काफी दिनों से अगर आप डेली के चार्ट पे देखें तो काफी दिनों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, डाउन ट्रेंड में। आप देख रहे हैं एक रेंज था, ये एक छोटा सा रेंज बना रखा था, इस रेंज के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा था। इस रेंज को ब्रेकआउट 2 बार सस्टेन किया, नहीं कर पाया ब्रेकआउट करने की कोशिश, लेकिन अब देख रहे हैं फाइनली स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है बॉक्स के ऊपर और उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है। अब ये जो बड़े समय का ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के आसपास में जाके ये क्लोज करता हुआ वोल्टास नजर आ रहा है। तो अगर वोल्टास इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में तोड़ता है तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है, इसलिए आप खरीदने की कोशिश करें। अगर ये 802 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाय वो 802, और स्टॉप लॉस कितने का लेंगे हम लोग, 797, 797 का स्टॉप लॉस लेंगे, और जो टारगेट होगा वो कितने का होगा हमारा, 807 रुपए। पहला 807 का, दूसरा 812 यानी कि 812, और तीसरा 817 817 रुपए का अगर इसके ऊपर निकलता है तो। रिजेक्शन आ सकता है, अगर मान लीजिए अगर ये गिरने लगा सेल साइड जाएंगे तो सेल का लेवल बनेगा 795 के नीचे निकलेगा तब सेल करेंगे, सेल बिलो 795। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 800 रुपए का 800 का होगा, और जो टारगेट आपके लिए बनेगा इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 790 790, दूसरा टारगेट 785 785, और तीसरा 780 780 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करें। तो ये पहला स्टॉक है वोल्टास का, सिलेक्शन रीजन आप समझ गए। अब चलते हैं तीसरा स्टॉक टाटा केमिकल की तरफ में, और टाटा केमिकल में मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपको एक अच्छे ट्रेंड लाइन का अपसाइड से बाउंस हुआ है, बाउंस बैक जिसको कहते हैं, बाउंस बैक के ये, पुल बैक के ये बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसका छोटा टाइम फ्रेम पर देखें, 15 मिनट के चार्ट पर देखें, तो वहां पे भी जाके आपको कुछ समझना होगा। और 15 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया और ये सपोर्ट एरिया। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंस चुका है, पहले ये बड़े एरिया में ट्रेड कर रहा था, अब इसके पास एरिया हो गया है छोटा, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आपका ट्रेड बनेगा। तो ऊपर के साइड में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो 1080 रुपए के ऊपर हम बाय करेंगे, बाय अबव 1080, जो स्टॉप लॉस लेंगे वो 1073 1073 का लेंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 1087 का पहला टारगेट, दूसरा 1094 1094 का, और तीसरा और फाइनल टारगेट 1101 रुपए यानी 1101 का रहेगा। मान लेते हैं नीचे की साइड में गिरेगा तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे, तो सेल का लेवल अगर इसके नीचे आता है तो हम सेल करेंगे, 1069 के नीचे 1069 के नीचे हमें सेल करना है, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1076 1076 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1062 का यानी कि 1062 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट होगा 1055 रुपए 1055 का, तीसरा 1048 का 1048 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। अब बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ। देखिए टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। अब यहाँ पे आ गया इंडसइंड बैंक, तीसरा और फाइनल स्टॉक। देखिए इंडसइंड बैंक इसी ट्रेंड लाइन से ये बाउंस बैक होता है बार बार, आप देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन था, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट हो गया, इसी ट्रेंड लाइन के पास आया तो फिर सपोर्ट ले लिया, यानी ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो गिरावट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर अगर ये 1400 को ब्रेक करता है तो एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, बाय अबव 1400, स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 1393 रुपए 1393 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1407 रुपए 1407, दूसरा 1414 रुपए 1414, और तीसरा 1421 1421 रुपए का। मान लीजिए नीचे गिर गया तो
ट्रेंड लाइन के नीचे सेल करेंगे तो सेलिंग का लेवल भी बिल्कुल ओपन है, 1388 के नीचे सेल करना, सेल बिलो 1388 जो स्टॉप लॉस लेंगे वो 1396 रुपए का लेके चलेंगे, जो टारगेट होगा पहला वो 1380 रुपए आप ले सकते हैं 1380, दूसरा टारगेट 1372 1372 और तीसरा टारगेट 1364 1364 रुपए का लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक है 2 अगस्त 2023 बुधवार के लिए, और स्टॉक सिलेक्शन का रीजन आप पूरा वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती आपको कभी नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।